फ्रेंड्स, आज हम लोग फिश करी बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए हम लोग उसका प्रोसेस देखते हैं कैसे बनता है। हम एक किलो मेरे पास एक किलो फिश है और उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद मैंने उसमें हल्दी और नमक मिला के उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और एक एक मछली के अंदर हल्दी और नमक का टेस्ट जाना चाहिए। और उसके बाद हम लोग तेल गरम करेंगे, कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और तेल एकदम गरम होना चाहिए। और उसमें हम लोग मछली को डालेंगे, मछली उतना ही डालेंगे जितना उस तेल में जा सके, ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो वो पलटने में दिक्कत होगा। और उसके बाद हम लोग गैस का फ्लेम थोड़ा लो कर देंगे और उसको हम लोग फिर उसके बाद उसको पलटेंगे हम लोग। और पलटने तब तक हम लोग उसको चलाते रहेंगे जब तक वो सुनहरा ना हो जाए। और वो अच्छे से जब तल जाएगा तो उसको हम निकाल लेंगे, एक प्लेट में उसको हम निकाल लेंगे। अब देखिए ये कैसे हम लोग फ्राई कर रहे हैं और वो आधा से ज़्यादा वो फ्राई हो चुका है और उसको हम साइड में कर लिए हैं और साइड से हम एक एक करके एक एक मछली डाल रहे हैं। आप इस तरह कर सकते हैं, या तो आप उसको पहले निकाल लीजिए फिर उसको आप डालिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि कैसे आपको करना है फ्राई। तो देखो मैंने निकाल लिया है उसको, फ्राई हो गया और मैंने साइड से डाल दिया है। अब वो भी हो फ्राई हो जाएगा तो उसको भी हम उसी तरह निकाल लेंगे। चलिए अब इस ये तो फ्राई का ख़त्म हो गया, अब हम लोग ग्रेवी का तैयारी करते हैं। ग्रेवी तैयारी करने के लिए हम लोग लहसुन लेंगे, दो चार लहसुन लेंगे, मिर्च लेंगे और सरसों लेंगे, पीली सरसों, उसको हम लोग पीस लेंगे। फिर टमाटर लेंगे, दो तीन टमाटर लेंगे। टमाटर खट्टा के लिए होता, वो आपको जैसा पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप टमाटर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर टमाटर का भी पेस्ट बना लिया है। अब उसके बाद हम प्याज अगर आपको डालना है तो ये आपकी च्वाइस है, अगर नहीं तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो मैंने प्याज का भी पेस्ट बना लिया है, धनिया पत्ता भी काट लिया। अब कुछ मसाले हैं, हल्दी, धनिया, जीरा और लाल मिर्च और काश्मीरी मिर्च भी, इसको मैंने साइड कर दिया। अब ग्रेवी बनाने के लिए ये फ़ौरन है, इसको फ़ौरन रेडी कर लिए हैं। और तेज आंच पे हम लोग पहले तेल को गरम कर लेंगे, फिर उसमें हम लोग तेल गरम हो जाएगा तो उसमें हम पहले सबसे पहले फ़ौरन डालेंगे। फ़ौरन में देख सकते हैं कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता आपकी च्वाइस है, डालना है डालिए नहीं तो नहीं डालिए। कड़ी पत्ता से थोड़ा सा साउथ इंडियन का टेस्ट आता है। फिर हम लोग इसमें जो हम लोगों ने मसाले जो रेडी किए थे पीस के, जो मटेरियल यूज़ पीस के रखे थे, उसको हम लोग इसमें कढ़ाई में डाल देंगे और उसको फ्राई करेंगे। और एकदम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, धीमे फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये आसानी से पकेगा और ये कच्चापन निकल जाएगा, इसमें से कच्चापन निकल जाएगा। फिर इसमें हम लोग प्याज, पीसा हुआ प्याज डाल दिए हैं और प्याज को भी वैसे ही लो फ्लेम पे हम लोग इसको फ्राई करेंगे, एकदम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ये तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें तेल ना छोड़ दे। और देखिए कैसे हम इसको एकदम धीमे आंच पे फ्राई कर रहे हैं और धीरे धीरे इसका जो मसाला का जो पानी वाला था वो सूख गया और ये थोड़ा सा ड्राई होने लगा है। अब इसमें हम लोग टमाटर का पेस्ट डाल दिए हैं और टमाटर को पेस्ट के भी वैसे ही पकाएंगे जैसे हम लोग प्याज को डाल के मिलाए थे, ऐसे ही टमाटर को भी हम लोग पकाएंगे और इसको भी लो फ्लेम पे ही करेंगे। लो फ्लेम पे ये धीरे धीरे खुद सुनहरा होने लगेगा और ये अच्छे से पक जाएगा। इसमें थोड़ा सा अगर ज़्यादा सूख गया है, जलने लगा, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए और इसको चलाते रहिए। अब देखिए ये कैसे धीमे आंच पे ये पक रहा है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा सॉल्ट, नमक डाल देंगे और वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है कि आप कैसा नमक पसंद करते हैं। और ये देखिए पक रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और देखिए ये मेरा मसाला पक गया है। अब इसमें हम लोग जो मसाले निकाले थे उसको थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करके इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसको भी हम थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करेंगे। अब देखिए ये धीरे धीरे करके ये भी फ्राई हो जाएगा, ये भी सुनहरा होने लगेगा। अब देखिए कैसे इसका भी पानी थोड़ा सा सूखने लगेगा। इसको बार बार बीच बीच में चलाते, एकदम लो फ्लेम पे करना है,
हाई फ्लेम पे थोड़ा सा टेस्ट इसका कच्चापन रह जाएगा, इसलिए लो फ्लेम पे करेंगे। और इसमें हम लोग धनिया पत्ता ऐड कर दिए हैं, डाल दिए हैं। अब देखिए धनिया पत्ता का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ये हम लोग का लगता है लगभग पक गया है। देखिए इसको इसमें तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब ये मसाला हम लोग का पक गया है, रेडी हो गया है। देख सकते हैं आप कैसे इसमें पानी का मसाले का जो तेल है वो ऊपर आ गया है। अब इसमें हम लोग पानी ऐड कर देंगे, जितनी आप ग्रेवी जैसा थिक मोटा पतला जैसा आप ग्रेवी चाहते हैं उस अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। अब ये फ्राई की हुई मछलियाँ हम इस ग्रेवी के अंदर डालेंगे। देखिए कैसे उबल रही है, इसको एक एक करके डालेंगे। देखिए ये डला गया हम लोग, ये हम लोग की मछली देखिए इसमें डला गई है। अब इसको एकदम धीमे से इसको चलाएंगे ताकि ये टूट ना जाए। इसको करछी से इसको मिलाएंगे और इसको कम से कम आप 10 मिनट के लिए उबलने के लिए छोड़ दीजिए। उसके जो भी मसाले जो फ्राई हुए वो मछली के अंदर अच्छे से समा जाएगी, उसके अंदर चले जाएगी और खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। देखिए हमारा बन गया है फिश कड़ी, देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। खाने में भी टेस्टी होगा और देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसका कलर भी कितना अच्छा आया। ये देखिए हमारा बन के तैयार हो गया है, इसको आप चावल रोटी किसी के साथ भी परोस सकते हैं। थैंक यू।